हेलो गाइस, आज मैं आपको स्प्रे पेंटिंग बनाने दिखा रही हूँ, जो कि एक कैट की पिक्चर है। उसमें कैसे स्प्रे पेंटिंग करते हैं वो मैं बताऊँगी। इससे पहले मैंने जो अपनी एक स्प्रे पेंटिंग बनाई थी वो एक सिंपल एप्पल की थी, तो उसमें मैंने लास्ट में एक कैट की पिक्चर दिखाई थी। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा कि ये कैट कैसे बनेंगी, तो आज मैं इसीलिए आपको ये डिटेल में करके बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने एक ट्रेस पेपर ले लेना है। ट्रेस पेपर में आपको एक कैट की पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप किसी भी जो ड्राइंग बुक से इमेज, कोई भी कैट या कार्टून की, आप पेन से ड्रॉ कर लीजिए ट्रेस पेपर पे, पेंसिल या पेन से। उसके बाद आपको सीजर से उसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को कट करना होगा। कट करके उसका एक स्टेंसिल बनाना होगा। जैसे कि मैं इसमें एक कैट का ईयर को काट रही हूँ, और ईयर काट के उसके बाद मैं इसमें जो भी कलर मुझे करना है वो टूथब्रश से स्प्रे करूँगी। तो इसमें गाइस आपने क्या करना है कि जो भी एक सिंगल कलर या जो भी कलर आपको करना है बहुत सारे पार्ट में, तो वो सब एक कलर पहले आप अलग अलग स्टेंसिल काट के कर लीजिए। जैसे कि मैं इसके ईयर में रेड कलर कर रही हूँ, तो मैंने इसका ईयर कट कर लिया, स्टेंसिल बन गया ईयर का। उसके ऊपर मैं ड्राइंग शीट के ऊपर रख के अब टूथब्रश से इसमें रेड कलर से स्प्रे कर रही हूँ। इसके बाद जहाँ पे भी इसके अपने लेग्स या जो भी इसकी टम्मी में, जहाँ पे भी आपने रेड कलर करना है, तो आप पहले सारे स्टेंसिल रेड कलर के कट कर लीजिए, और उसके बाद उसमें आप रेड कलर करके फिर नेक्स्ट आप जो भी कलर चूज़ करेंगे उसका स्टेंसिल काट लीजिए। गाइस ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। और आपने जो भी अभी तक देखा होगा, जितनी भी स्प्रे पेंटिंग देखी होंगी वो बड़ी सिंपल देखी होंगी। कोई भी एक सिंपल इमेज जैसे वेजिटेबल है या ट्री है या एप्पल है, इस तरह की स्कूल में सिखाते हैं बच्चों को। तो ये थोड़ी मुश्किल है, ये किंडरगार्टन के बच्चों के लिए नहीं है, ये अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं। आप उसको सिखा सकते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में है तो आप बड़े बच्चों को ये सिखा सकते हैं। इसमें बड़ा ही केयरफुली करना पड़ता है ताकि कलर मतलब इधर उधर ना फैले आपकी शीट पे। तो ट्रेस पेपर को कट करके साथ साथ जैसे जैसे आप कलर करेंगे, थोड़ा कॉटन से उसको साफ़ करते जाइए ताकि वो आपके हाथों और इधर उधर ना लगे, या आप उसको 2 मिनट वेट करके सूखने दीजिए, तभी उसका अगला स्टेंसिल काटिए। देखिए अब मैंने इसकी लेग्स का काट लिया है, और अब मैं इसके लेग्स में करूँगी। इस तरह आपको हर एक पोर्शन रख रख के धीरे धीरे इसका मतलब करना है। काफ़ी टाइम लगता है गाइस, आज भी मुझे ये वीडियो बनाने में पूरे 2 घंटे लग गए हैं, 1 घंटा इसकी ड्राइंग में और 1 घंटा एडिटिंग वगैरह करने में। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि सिंपली इसको देख के बस छोड़ देते हो। इतनी मेहनत लगती है बनाने वाले की, और उसकी आप कला की, आर्ट की कोई कदर नहीं करते। मतलब जो भी सिखाता है या जो चैनल सिखाता है तो वो मोटिवेट नहीं हो पाता। तो गाइस आप थोड़ा सा ये करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है तो, क्योंकि इतनी देर इतनी मेहनत करने के बाद अगर लाइक ना मिले और चैनल को सब्सक्राइब भी कोई ना करे तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह देखो आप कैसे मैं सारे स्टेंसिल बना रही हूँ और धीरे धीरे कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।